प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लापता बच्चों को पुलिस ने किया बरामद, सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने दिया इनाम। सीतापुर बिस्वा क्षेत्र में बाढ़ ने मचाई तबाही, हजारों की संख्या में लोग बेघर। प्रयागराज में बदलते मौसम से लोगों को हुई एलर्जी, वरिष्ठ नेत्र सर्जन ने दी जानकारी। हरदोई में मेडिकल कॉलेज में ठप पड़ी मिली व्यवस्थाएं, मेन गेट पर लटका मिला ताला। रायबरेली में शटरिंग में काम कर रहे युवक की दर्दनाक मौत, कोल्ड स्टोर की चौथी मंजिल में कर रहा था काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में कुछ समय से लापता हुए तीन बच्चों को पुलिस ने 16 घंटों के अंदर बरामद कर लिया। आपको बता दें कि मिलिट्री कैंप एरिया में रहने वाले तीनों बच्चे घूमने के लिए निकले थे। वहीं बच्चों की गुमशुदगी की सूचना मिलने पर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा किए गए प्रचार प्रसार से एक युवक ने बच्चे के बारे में सूचना दी है। पुलिस ने तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने 25,000 का इनाम दिया है। आज सुबह हमें जो सूचना प्राप्त हुई है थाना जो ये जिला उन्नाव से कि वहाँ पे जो एक मेला लगा हुआ था वहाँ पे बच्चे गए हुए थे, तो वहाँ पे एक पान वाला था यश जायसवाल करके, उसने जब देखा तो उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ पे कैसे आए हो। तो उसी के बाद जो एक हमें डिटेल मिली, थाने से सूचना मिली, उसने घर वालों को बताया, हमारी टीम वहाँ पे गई, तीनों बच्चों को सकुशल बरामद किया गया, फैमिली से मिलाया जा रहा है और जो आगे की विधिक कार्रवाई वो सारी की जा रही है। फरुखाबाद में छात्रा ने प्रधानाचार्य पर कमरा बंद कर बाल काटने का आरोप लगाया है। वहीं परेशान छात्रा ने परिजन के साथ एडीएम से मामले की शिकायत की थी। पीड़िता ने कहा कि अगर प्रधानाचार्य पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। वहीं एडीएम ने एसएसपी को जांच कराने के लिए पत्र भेजा है। जाँच के बाद प्रधानाचार्य के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपके बाल काट लिए सर के, क्यों काट लिए? क्या नाम है प्रिंसिपल का? सुमित यादव। सुमित यादव, इससे पहले भी आपके भाई बता रहे हैं काटे हैं इस? हाँ, दो तीन बार काटे। क्या क्या आपने इससे कहा नहीं उनसे, प्रिंसिपल सर से, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो क्या मानते ही नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं दो चोटी निकल के आओगे ऐसे काटेंगे। बच्ची ने शिकायत किया था कि जो है स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्ची के बाल काट दिए थे, तो उसके संदर्भ में जो है एडिशनल एसपी साहब को लेटर लिखा गया था और डीआई साहब को लेटर लिखा गया था, और जो जानकारी अभी हुई है उसमें ये पता चला है जो है कि उसमें FIR दर्ज हो गई है और DIS से जो है उसमें क्या कार्रवाई की गई है उससे बात करके जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो करेगी। थाना मेरापुर पर एक विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध छात्रा के बाल काटने व अश्लील हरकत करने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई। इस तहरीर पर तत्काल समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। पीड़िता का मेडिको लीगल परीक्षण व 164 CRPC के बयान कराए जा रहे हैं। अभियुक्त की तलाश व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरसाती मौसम शुरू होते डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी पनपने लगी है। अब तक डेंगू के लगभग 373 मामले सामने आए हैं। जिनका डेंगू हुआ है उनको प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वाइन फ्लू के भी 10 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव होते हैं उनको ब्लड भी चढ़ाते हैं। और पीछे था, एक हफ्ता पहले था एक बच्चा जिसकी बहुत कम थी, 20 के करीब थी उसकी, उसको दो जगह पैर भी चढ़ाए, 3-4 भी चढ़ाए। हमारे यहाँ डेंगू का वार्ड अलग से बनाया गया है, उसमें पहले 10 बेड की व्यवस्था थी, अभी 12 बेड कर दिए गए, 2 बेड और बढ़ाए गए हैं। उन सब में मच्छरदानी और पूरी व्यवस्था है, इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ में हम अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं अपने यहाँ जो आए मरीज हैं कि कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें ताकि डेंगू के केस कम से कम रहें। हर
हरदोई में मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं की झड़ी लगी है और हर रोज कोई ना कोई बात को लेकर मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर ताला डाल दिया गया है और उसका रखवाली करने के लिए दो गार्ड तैनात कर दिए गए हैं, जिससे कोई भी वाहन अंदर प्रवेश न कर सके, जिससे प्राइवेट वाहनों से आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इससे लोगों में नाराजगी भी है। कानपुर में लगातार बारिश के बाद शहर में डेंगू और डायरिया जैसी बहुत बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। डेंगू के 100 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं, तो वहीं 9 मरीजों में डायरिया की पुष्टि हुई है। लगातार डेंगू और डायरिया के मरीज की बढ़ती संख्या देख डीएम ने निर्देश दिए हैं। कम से कम 24-25 मरीज तो भर्ती होकर ठीक हो चुके और कम से कम 200-300 तो ओपीडी में आते हैं बुखार वाले, जिनकी जाँचें हो रही नियमित तौर से। पिछले महीने 45 पॉजिटिव भी आए थे। हमारे यहाँ सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है, वार्ड बना दिया है मच्छरदानी के समेत, फिजिशियन भी हैं, बच्चों वाले साथ जो डॉक्टर हैं, दवा मिल रही है। कोई अभी तक ईश्वर के पास से डेथ भी नहीं हुई है, जो कि अच्छी बात है। मैनपुरी में किशनी क्षेत्र के गांव में 17 वर्षीय किशोरी से तमंचे की नोक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरे साथ गलत काम हुआ है। क्या मामला था, मतलब घर वाले कहाँ थे, कैसे? घर वाले सो रहे थे, हम भी सो रहे थे जी। एक लड़का आया मेरे साथ, किया जी लड़का छोड़ने। तो घर वाले थे ना उसमें? घर पे घर वाले सो रहे थे, हम भी सो रहे थे। फिर आपने घर वालों को बताया? जब खट पट हुई, आवाज हुई सब, तब घर पापा जागे। किसनी थाना अंतर्गत एक 17 वर्षीय युवती के साथ रेप का प्रकरण सामने आया है। इस संबंध में परिजनों के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा नदी में आज विसर्जित की गई। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ परिवार के अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। 11 अक्टूबर को उनके पैतृक आवास सैफई में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में मौसम के बदलते ही लोग एलर्जी से परेशान हैं। आपको बता दें कि चिकित्सालय के वरिष्ठ नेत्र सर्जन ने कहा कि आंखों के संक्रमित होने की आशंका बदलते मौसम में काफी बढ़ जाती है। इस मौसम में आंखों में संक्रमण हानिकारक सूक्ष्म बैक्टीरिया के कारण होता है। वहीं कहा कि आंखों में दिक्कत होने पर तुरंत आप नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और अपने से अपना इलाज न करें। आँख रेड हो जाती है, जलन होती है और ऐसे बंद करने पे भी गड़ता टाइप का होता है, जैसे कुछ गड़ रहा हो। आँख में बहुत ज़्यादा दर्द था और आँख खुजलाती थी, इसलिए आया। इस समय जो सबसे कॉमन बीमारी जो हम लोगों को देखने को मिल रही है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, लगभग आज हमने 170 मरीज देखे, उनमें से 112 मरीज केवल और केवल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के निकले। तो ये जो वीदर चेंज है, ये सबसे बड़ा कारण लग रहा है, मौसम जो चेंज है। अच्छा, दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस समय वायरल फीवर भी चल रहा है, तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें लगता है कि ये एलर्जिक हो सकता है, लेकिन परीक्षण करने पर पता चलता है कि उसमें वायरल कंजंक्टिवाइटिस के भी कुछ केसेस हमें रिपोर्ट हुए। रायबरेली में शटरिंग में काम कर रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि कोल्ड स्टोर की चौथी मंजिल में काम कर रहा था, जिसके बाद ये हादसा हो गया। वहीं युवक मुर्शिदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है।
रामपुर में दलित नाबालिग लड़की का एक माह पहले कुछ दबंगों ने अपहरण कर लिया था। आपको बता दें कि इस मामले की शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को 24 घंटे में दिल्ली से बरामद किया और इस मामले में एक आरोपी को जेल भी भेज दिया गया, जबकि 3 आरोपी के बचाव में पुलिस जुटी हुई है। इसी मामले में पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से एक बार फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साहब हम आए हैं सब अधिकारियों के पास जाके थक हार के बाद में, अब बाबा साहब के चरणों में हम आए हैं इंसाफ मांगने। संविधान के रचयिता हैं, कुछ तो इंसाफ दिलाएंगे। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ है कि हमारी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की पटवाई त्राय के पीछे से ऑटो रिक्शा के स्टैंड के पीछे से उठा ली गई, जिसमें कि 3 आदमियों ने डराया धमकाया, चौथे आदमी के साथ भगा दिया। और ये बोलते हैं कि वो प्रेम प्रसंग में भाग गई। प्रेम प्रसंग में एक के साथ भागती है कि चार चार के साथ भागती है? वहाँ जाके साहब पहुँचा दी दिल्ली, वहाँ जाके बोल रहे हैं कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। हम जहाँ भी जाते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे 4 लोग ले गए थे और जहाँ भी जाते हैं वो पकड़ नहीं रहे। और थाने गए थे तो थाने वाले हमसे कहते हैं बस एक का नाम ले लड़के का, 4 तीनों का मतलब हमें तीनों ने उठाया, चारों ने उठाया, तो हम चारों को नाम लेंगे। कौन सा थाना? पटवाई थाना। कितनी उम्र है आपकी? 14 वर्ष है। आपको उन्होंने किडनैप किया, आरोप है आपका? हाँ। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। कितने लोग थे? 4 लोग थे। सीतापुर में तहसील बिस्वा क्षेत्र में इन दिनों बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं, लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर बिस्वा तहसील प्रशासन ने बेघर लोगों के लिए अभियान चलाकर राहत सामग्री पहुंचाकर लोगों की मदद की है। वहीं बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री पाकर खुश दिखे, जिसके बाद कुछ पीड़ितों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। आलू है और राशन है और लैया ना है, कृपा सहायता पहुँचेगी। सहायता पहुँचेगी? अब पहुँची है ना, 2-4 दिन से कटे है, तो कटे है नहीं। हमका सामान मिला है हमारे पति का, ना हमारे लड़का का मिला है, ना हमारे घर में एक देवर हमका मिला। क्या कहते हैं? शहर का है, उनका ना मिला है, शहर आने के मिला है उनका। अभी तक लगभग 3,000 किट बढ़ चुकी है हमारे यहाँ जी, और ये बढ़ रही है आपके सामने। आज 300 किट बढ़ चुकी है, 100 लग चुकी है जी। और इसमें जितने बाढ़ प्रभावित हैं, अभी ये गोलक कोरल बटा है पूरा जी, कुछ मजरे उसके रह गए हैं, चेरारी घाट पूरा बढ़ चुका है जी, नई बस्ती बढ़ चुकी है जी, बाकी मजरे कल लगाए जाएंगे जी। यहाँ मरीज जो है, यहाँ खांसी सर्दी जुकाम बुखार फंगल इन्फेक्शन और जो है मलेरिया के कुछ पेशेंट हैं, जिनकी 13-14 लोगों की आज भी जांच हुई है, किसी का मलेरिया पॉजिटिव नहीं निकला। ठीक है, बाकी जो है सभी की दवाएं दी जा रही है। हमारे अधीक्षक विकास मिश्रा जी, उनका बढ़िया प्रबंधन है यहाँ, और हम लोग भी पूरा जो है तैयार हैं, कोई भी परेशानी हो, किसी को परेशानी होगी तो उसके लिए तैयार हैं। नदी भी में काफ़ी जल स्तर अंदर चला गया है, तो अब हमारे पास जो है विस्थापन जैसी स्थिति कहीं नहीं है। अब उनको वापस उनके घरों में रहने और उनके राशन ड्राई किट वगैरह जहाँ जहाँ क्षति हुई हमने आकलन कर करके ये सब जो है शासन के निर्देश और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर बहुत तेजी से हम लोग राहत सामग्री वितरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। मैनपुरी के निजामपुर गांव में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 3 माह पहले एक आरोपी ने अपनी ही सगी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया और युवती गर्भवती हो गई। आपको बता दें कि आरोपी युवक ने युवती को धमकी दी थी, अगर इस बात को किसी से जिक्र किया तो जान से मार देंगे। हमारे बच्चे के साथ बच्चे उसके बच्चे थे बेटे ने कर देगा, तो लड़की को पूछा तो अक्षय का नाम रखा। अक्षय की मम्मी जब बुलाया मुझे कहा कि ऐसी बात है कि बेटी अच्छी नहीं है, घर घर भी बात है, तो बोले कि चलो आप चाचा ने हमें बताएं तो हम मौजूद हैं। अक्षय की मम्मी को बुला के कहा तो वो उसकी मम्मी बोली कि ठीक है हम शादी करवा देंगे, और शादी का बहाना दे के वो घर से लेवा गई। शाम को मैं खेत में थे, मेरे को ये भी पता नहीं कब गई। कुरावली क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग युवती के साथ उसके ताऊ के लड़के द्वारा 3 माह पूर्व दुराचार
और जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके पश्चात 6 तारीख को उसको जलाया गया। परिजनों द्वारा इसकी सूचना 8 तारीख को स्थानीय पुलिस को दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में FIR लाज किया गया और तत्परता से ताऊ के लड़के अभिषेक उसकी मां की गिरफ्तारी की गई और उसका उपचार सैफई में पीड़िता का चलता रहा, जहां देर रात उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।